सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीजी सिनेमैटिक आइडियाज़। और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँ एक कमाल की फोटो एडिटिंग ऐप। अगर आपने एज अ बिगनर नई नई फोटोग्राफी करना स्टार्ट किया और आप चाहते हैं कि अपने स्मार्टफोन के अंदर ही आप फटाफट से अपनी पिक्चर्स को एडिट कर पाएँ बिल्कुल सिनेमैटिक वे में, तो इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि वो कौन सी एप्लीकेशन है जिसको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं अगर आप बिगनर भी हैं तो भी। तो इस वीडियो में आपको कम्प्लीट मैं बताऊँगा भी प्रैक्टिकल करके, एक पिक्चर क्लिक करके मैं बताऊँगा कि उसको किस तरह एडिट करना है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो फाइनली सबसे पहले मैं यहाँ पे पिक्चर लूँगा। अब जैसा कि यहाँ पे लीव्स हैं, इनका जो कंट्रास्ट है, जो इनका कलर है वो काफ़ी ग्रीन है, ठीक है। तो हम इनको एडिट कर सकते हैं बिल्कुल सिनेमैटिक लेवल की तरह, ठीक है। इसकी पूरी कलर ग्रेडिंग हम करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से पिक्चर को क्लिक करता हूँ, ठीक है। और क्लिक करने के लिए मैं सिंपल एक कैमरे का यूज़ कर रहा हूँ, सिंगल कैमरे का। यहाँ पे कोई भी ड्यूल या ट्रिपल या क्वाड कैमरा का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सिनेमैटिक पिक्चर को क्लिक करना चाहते हैं, ठीक है, एज अ डेमो के लिए बता रहा हूँ, तो आपने इस तरह से फ़ोन को नहीं पकड़ना है, आपने इस तरह से फोन को पकड़ना है, ठीक है। तो आपकी जो एक्सपेक्ट रेशियो आएगी वो 16:9 आएगी। अगर आप ऐसा पकड़ेंगे तो आपकी पिक्चर सिनेमैटिक नहीं लगेगी, ठीक है। तो सिंपली आपने लैंडस्केप मोड पे अपने फोन को पकड़ना है, अपने स्मार्टफोन को, ठीक है। और सिंपली वे में अब यहां से हम पिक्चर को क्लिक करेंगे, ठीक है। और जो मैंने मोड जो सिलेक्ट किया हुआ है वो मैनुअल मोड पे किया हुआ है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करना है यहां पे, ठीक है। तो सिंपली मैंने मैनुअल मोड को सिलेक्ट किया हुआ है और फोकस करने के बाद, ठीक है, अब मैं यहाँ से इस पिक्चर को कर दूंगा क्लिक, ठीक है। सो पिक्चर को क्लिक करने के बाद हम सिंपली जाएंगे प्ले स्टोर में, ठीक है। और प्ले स्टोर में जाने के बाद सिंपली हम यहाँ पे टाइप करेंगे KODA करके और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का एप्लीकेशन आपके पास ओपन हो जाएगा, कोडा कैम फोटो एडिटर 1998 करके, ठीक है। और सिंपली आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इसका फ्रंट ओवरव्यू दिखेगा। सो सिंपली हम जाएंगे एडिट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। और क्लिक करने के बाद हम सिंपली पिक्चर को इंपोर्ट करेंगे जिसके ऊपर हमने कलर ग्रेडिंग को करना है। अब सिंपली सबसे पहले मैं आपको कलर ग्रेडिंग करके बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसके और फीचर्स भी बताऊँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा इसके जो है कंट्रास्ट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। सिंपली हमने कहाँ पे जाना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे फिल्टर वाली जो ऑप्शन खोली हुई है, ठीक है, सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा। उसके बाद सिंपली आपने जाना है एडजस्ट में, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ी बहुत एडिटिंग अपनी कर सकते हैं, मीन्स कि अपनी कंट्रास्ट सैचुरेशन को, ब्राइटनेस को आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ से कंट्रास्ट को ले रहा हूँ और कंट्रास्ट में थोड़ा सा प्लस में कर देता हूँ, एटलीस्ट मैं कर देता हूँ +1/13 कर देता हूँ, ठीक है। विग्नेट को थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा ब्लैकिश होना हमारी स्टार्ट हो जाए आना, ठीक है। और ये काफ़ी कमाल का ऑप्शन है यहाँ पे विग्नेट का, इसको ट्राई करके देखना यार, बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। थोड़ी सी मैं शार्पनेस को बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, एटलीस्ट कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, 0.12 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद लेवल को कर देते हैं थोड़ा सा, लेवल को थोड़ा सा माइनस में ले जाते हैं, माइनस में एटलीस्ट -31 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी बेसिक एडजस्टमेंट्स हो गई। सिंपली आपने जाना है यहाँ पे फिल्टर वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो सिनेमैटिक आपको लुक देंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको लाइटरूम में जाके कर्व्स यूज़ करने पड़ रहे हैं या बहुत सारी आपको कलर ग्रेडिंग करनी पड़ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपने मूड पे जाना है, ठीक है। मूड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कोडेक जो है काफ़ी अच्छा हाई क्वालिटी के प्रोफेशनल फिल्टर आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। सिंपली आपने जाना है सेकंड वाले फिल्टर पे, ठीक है, मूड पे। और यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिल्टर के ऊपर ही, तो आपको एक स्लाइडर शो हो जाएगा जो है ओपेसिटी स्लाइडर। इट मीन्स कि आप अपनी पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने जो फिल्टर की है, जो क्वांटिटी है, कितनी रखनी है, ठीक है। अगर बिल्कुल माइनस में कर देंगे तो कुछ इस तरह से इम्पैक्ट आ जाएगा। फिलहाल मैं इसको बिल्कुल फुल पे कर रहा हूँ, बिकॉज फुल पे इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा है, ठीक है। अब सिंपली हमने यहाँ से इसको एडजस्ट कर लिए, अब मैं बाहर जाता हूँ, ठीक है, लाइक की यहाँ पे आते हैं। उसके बाद मैं आपको अंडू करके दिखाता हूँ। ये देखिए पहले हमारी पिक्चर किस तरह से थी और अब देखिए, ये पहले थी हमारी बिफोर और ये आफ्टर। तो इस सिंपल सी पिक्चर को मैंने इसलिए क्लिक किया था कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि अगर हमने एक सिंपल सी पिक्चर को एडिट किया है इस एप्लीकेशन के अंदर और उसकी जो लुक है बिल्कुल चेंज हो गई है, तो अगर आप प्रोफेशनली अगर DSLR से क्लिक करते हैं, स्मार्टफोन से क्लिक करते हैं और एक प्रॉपर पिक्चर को एडिट करते हैं इसके अंदर, तो उसका इम्पैक्ट कितना अच्छा आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्लिच वाला ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और कुछ इसमें ऑप्शन आपको पेड देखने को मिलेंगे, अगर आप इसका फुल वर्जन लेंगे तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, प्ले स्टोर के
के ऊपर जाके तो आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन भी आपके पास, ठीक है, मींस कि ग्रेडियंट भी आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे फोटोशॉप में होता है। जैसे ग्रेडियंट आपको लगाना है, जैसे कि कोई स्काई है उसको और ज़रा आपने डार्क करना है, थोड़ा सा सिनेमेटिक बनाना है, वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे आपके पास प्रीसेट्स हैं, यहाँ पे फिल्टर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सपेक्ट रेशो भी देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे पहले तो जो हमारी नेचुरल एक्सपेक्ट रेशो है वही हमें शो करेगा। उसके बाद आपने अगर इंस्टाग्राम पे डालना है वो भी आपको इनबिल्ट ही मिलेगा, आपको कोई भी जरूरत नहीं है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अलग से डाउनलोड करने की, ठीक है। उसके बाद इंस्टा स्टोरी वाली भी एप्लीकेशन आपके पास, मीन्स कि इंस्टा स्टोरी पे अगर आप कुछ डालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको फॉर्मेट सेट करके ये देगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यूट्यूब के लिए भी आपके पास है, आप इसको एक्सप्लोर कीजिए और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ से 16:9 के रेशो को ले रहा हूँ, ठीक है, मीन्स कि अगर हम 16:9 रेशो को लेते हैं तो ये काफ़ी सिनेमेटिक लगती है, ठीक है। सिंपली यहाँ से ओके कर देंगे और ओके करने के बाद अब देख रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर करके मेरी पिक्चर किस तरह की थी पहले और अब किस तरह की होगी। सिंपली आपने यहाँ से सेव करना है और आपकी पिक्चर होगी रेडी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कितनी आसानी से हम इस एप्लीकेशन के अंदर अपनी पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं और कोई भी ऐसा हमें दिक्कत नहीं आएगी कि हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे इसको यूज़ करना। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।